तो ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ओह शिट, हियर वी गो अगेन। मैंने कहा था आपसे पिछले वाले एपिसोड में कि भाई अभी इतने महीने से फिट का नहीं आएगा एपिसोड, पर गाइस मैंने तो आपको ये भी कहा था कि जो साइड मिशंस है उसके एपिसोड जरूर आएंगे। तो फिर वही आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अपने नई गेमिंग हेडसेट में, ताकि आपको आवाज़ भी बहुत अच्छे से आ सके। तो गाइस अब हम कर रहे हैं डेक्स की मिशन। तो गाइस डेक्स के मिशन में कभी तबाही, मतलब तबाही तो नहीं, मुझे बेचारा रूब है वो भी। तो गाइस पहले हमारे पास बकवास बकवास से गाड़ियाँ होती थी, पोर्शे वगैरह, और ये हमें टक्कर देता था। पर भाई अब है हमारे पास लैम्बोर्गिनी हुरैकन परफॉर्मेंस है, जो कि 348 लेवल की है और इसकी रिकमेंडेशन 260 की है, यानी कि इसकी गाड़ी सिर्फ 260 की है। ओके okay, ये रहा, आ गया। Hey, thanks for coming, bro. It's okay. मैं तो तुझे बस हराने आया हूँ और कुछ नहीं ब्रो। भाई मैं भी वही सोच रहा हूँ ना कि डेक्स भाई मर गया क्या? Trustworthy. Okay, I'm flat. Okay. तो इस मुझे लगा कि भाई डेक्स भैया को क्या हो गया, बुखार हो गया, इसको क्या हो गया वो मुझे पता नहीं था, क्योंकि भाई बीच में ना ये बंदे के एक भी मिशन नहीं आ रही थी। Sorry. Oh, I don't know. Oh, भाई अब ठोक देता टैक्स को मैं। तो भाई टैक्स बहुत अच्छा बंदा है, क्योंकि भाई जब भी हमें रेस करने को बोलता है या हमें सस्पेंशन किट या फिर ऐसा कुछ खतरनाक सा गिफ्ट देता है। अगर आपको याद होगा, आप मेरे सारे एपिसोड देख रहे हो, तो फिर ये टैक्स ने हमें एक सादा नॉर्मल सस्पेंशन किट भी दिया था, जो कि हमने हमारे लाइटनिंग मैकवीन में लगाया है। तो भाई साहब मेरे हेडफोन से ना मैंने नए नए खरीदे हैं, तो फिर और मैं फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ, ठीक है। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है, मैं शायद से ना जोर जोर से चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ, सॉरी डेक्स। तो मैं ना जोर जोर से चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है कि भाई मतलब मैं जो कि आवाज़ बोल रहा हूँ ना, ये हेडफोन की आवाज़ इतनी ज़्यादा है भाई, सब इतनी ज़्यादा है कि गाइस मैं मेरी खुद की आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ। अब मैंने मेरे पिछले वीडियोस कुछ देखे और फिर मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए, तो फिर अब मैं सीख गया, अब मैं चिल्लाऊंगा नहीं गाइस। सॉरी अगर मैं पिछले एपिसोड में चिल्ला रहा था तो। बाकी के बंदे कहाँ से लाता है? Push this track to the limit. अरे बस क्या भैया जी, अब तो तूने भी बोल दिया है, मेरा तो ऑलरेडी मन कर रहा था, अब तू बस देख जा। ये लैम्बोर्गिनी की एक ही दिक्कत है, अगर हम थोड़ा भी ठोकते हैं ना भाई साहब, ये गाड़ी की आधे से ज़्यादा हेल्थ तो उसमें ही निकल जाती है। आखिरकार लग्जरी कार से रेसिंग के लिए बने नहीं है, बने है रेसिंग के लिए, पर मतलब ऐसे रेसिंग के लिए नहीं, तब ऐसे रेसिंग के लिए भी बने हैं, पर हमारे जैसे ड्राइवर्स के लिए नहीं। भाई मैं क्या ही कह रहा हूँ, अभी तो ये एक लास्ट बूस्ट लगा लेता हूँ मैं, ये एक ही स्टाइल बस बोलते हैं, मुझे इसका एक ही डायलॉग में सुनता है
ये जब भी कुछ बोलता है ना हाँ ऐसे बोलता है लास्ट में, तो फिर वो वाला मुझे बहुत हार्ड लगता है। सही है, मतलब वो अरे डेक्स पे थोड़ा शर्म कर यार। ओ नो तेरा दोस्त। अरे भाई साहब जी गाड़ी की हालत देखो भाई, मैं जो कि वो लगा लिया है मैंने रिपेयर किट। भैया भाई गाड़ी की हेल्थ कुछ ज़्यादा ही कम हो थी, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म होती है अरे गाड़ी की हेल्थ, तो मुझे नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, मतलब नई गाड़ी लेनी पड़ेगी मतलब ऐसी गाड़ी नहीं लेनी पड़ेगी जो ऑफ रोड हो, क्योंकि हम मुझे रोशनी की भी मिशंस करनी है भाई। अच्छा बेटे, अच्छा बेटे, थर्ड तो तू पहले से ही है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ किधर है भाई रेसर्स, मैं मैप पे दिख भी ओके दे। ये लोगों को इतना पूरा घूम घूम के आना है और ये मुझे बोल रहे हैं यू कैंट बीट मी येट। मैं छोटो में बोलता था अभी एक बूस्ट मार लेते फटाफट, इस बार मुझे कुछ भी ठोकना नहीं, कुछ भी करके ठोकना नहीं, क्योंकि अगर मैं इस बार ठोक गया ना तो भाई गए हम लोग। ओके बच गए, इस बार ठोका नहीं मैंने। ये ब्रू अब जाया है, ब्रू वाले चक्कर क्यों आते हैं पता नहीं भाई। ब्रू तेरी कॉफी बना लूँ क्या? अरे यार पीछे ले गया वो तो, पास में आते तो कॉफी बना के पी लेता, वैसे भी बोर रहा हूँ मैं। राइट टू द वायर मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, हमारे ऊपर जो अभी ब्रिज था वो उस ब्रिज के ऊपर है भाई साहब। उसको कुछ ज़्यादा ही गंदी टक्कर दे दी मैंने, और वो सेवेंथ उस दी वो सिक्स या फिर फिफ्थ था, उसको मैंने सीधा लास्ट करवा दिया। और भैया जी कुछ ज़्यादा ही गंदा ठोक गया, सॉरी सॉरी ब्रो सॉरी। हम कुछ अलग ही खेल रहे भाई, रोड किल को देखो, बस रोड किल को मैंने इतनी गंदी टक्कर मारी है भाई, सीधा लास्ट जाएगा वो तो भाई इतनी। ओ भाई डेक्स बाय बाय, कैसे है भाई तू? ओ भाई साहब, ओ भाई आज मतलब मैं एक लैब आ गया था। ओके भाई टफर ट्रैक होगा तुम बना देगा तब बुला लेना मुझे, मैं उसमें भी तुझे हरा दूंगा इसलिए। ओके तो गाइस ये वाली हमारी मिशन हो गई है, अब हमें करनी है वो जो बंदा है ना ड्रिफ्ट वाले भैया उसकी मिशन करनी है, और उसकी मिशन भाई बहुत हार्ड है, मतलब कत्ती बहुत हार्ड है। तो फिर गाइस हम आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक मार दो यार, क्या कर रहे हो। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि बताओ क्या ये बता ही देता हूँ। ओ भाई साहब अभी टॉप देता, अरे अरे तो एक दूसरी बात ये है कि हमारे चैनल पे मतलब व्यूज आ रहे हैं तो 4, 5, 6, 7, 8 पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, इस बंदे का दिल खुश कर दो। और गाइस आपको एक और बात बतानी थी, पिछली जो कि एना की मिशन थी आई मीन, तो फिर उसके बाद ना अपना ये जो इधर वेयर हाउस था ना यहाँ पे कहीं पे, तो वो भाई गायब हो गया डायरेक्टली, तो फिर पता नहीं क्यों पर गायब हो गया है, तो फिर उसका भी उसका क्या हुआ है। हाँ ऑफकोर्स पुलिस वाला को चाहे तो उसका पता लग गया ना प्रैंक मास्टर को, तो फिर वो तो कहीं भी कभी भी वहाँ पे पोस्ट लेके आ सकता है, इसीलिए शायद से। Hey Lucas, you okay? Getting there. My ribs still hurt like hell. Okay. That Mercer guy packs a punch. Guess you made him pretty angry. Hey, by the way, there was a pack of aspirin on the table by the door earlier. Did you take it out with you? No. Maybe Anna moved it? Yeah, I asked her and she said she hadn't seen it. Give yourself a break. You've earned it. Yeah. Yeah, maybe I will. I'll see you later. Okay, so guys, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।